नमस्कार। भारत और पाकिस्तान का मैच में घमासान होने वाला है। बीसीसीआई ने बड़ी तैयारी कर ली है भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। दरअसल भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, चार साल में वनडे क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगी। 2019 के बाद से भारत और पाकिस्तान का कोई वनडे मुकाबला नहीं हुआ है। अब इस मैच का जो 14 तारीख को अहमदाबाद के मैदान पर होगा, इस मैच के लिए बीसीसीआई ने खास तैयारी की है। खास तरीके से लोगों को बुलाया गया है, खास तरीके से एक प्रोग्राम को बनाया गया है और उस प्रोग्राम के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल खबर यह है कि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाई गई थी, क्योंकि उस वक्त दोनों टीमें विदेशी थी। बीसीसीआई को डर था, पता था कि उस मैच में उतने दर्शक नहीं आएंगे, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद में होने वाला है, तो इस लिहाज से बीसीसीआई ने एक बड़ा प्रोग्राम किया है भारत और पाकिस्तान के मैच के दिन। आपको पता है कि अहमदाबाद का जो मैदान है उसमें 1 लाख से ज्यादा दर्शक आते हैं, 1,30,000 दर्शकों का ये मैदान है। तो इस लिहाज से आपको पता है कि लाखों दर्शक इस मैच को देखने के लिए आएंगे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ होगा, तमाम सड़कें सूनी रहेंगी जिस दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। तो इस मैच को देखते हुए बीसीसीआई की भी तैयारी है। बीसीसीआई ने जो तैयारी की है उसमें अमिताभ बच्चन इस मैच को देखने के लिए आने वाले हैं, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इस मैच को देखने के लिए आने वाले हैं, अरिजीत सिंह इस मैच में गाना गाने वाले हैं। जो सेरेमनी होगी, जो प्रोग्राम होगा, ये खबरें हैं कि अरिजीत सिंह आएंगे और इस मैच में रंगारंगे कार्यक्रम किया जाएगा। अमिताभ बच्चन होंगे, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत होंगे, सचिन तेंदुलकर भी इस मैच में होने वाले हैं। इस मैच में सचिन तेंदुलकर भी उपस्थित होने वाले हैं। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मैच को देखने के लिए आएंगे अहमदाबाद के मैदान पर। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी तैयारियां शुरू हो गई है भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले। इतना ही नहीं, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से भी आई है कि पाकिस्तान के 50 पत्रकारों को वीजा दे दिया गया है। 50 पत्रकार भारत में आए हैं, उन्हें भारत में आकर इस मैच को कवर करने की अनुमति दे दी गई है। तो जाहिर तौर पर इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैच कितना बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के 50 चैनलों के पत्रकार भारत में आ रहे हैं इस मैच को कवर करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैच ना केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी कितनी मांग है, कितनी लोकप्रियता है और इस मैच को लेकर कितना उत्साहित है पाकिस्तान भी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन बीसीसीआई भी इस मैच को खास बनाने के लिए, इस मैच के लिए खास तरीके की तैयारी कर रहा है। जो रंगारंग कार्यक्रम होगा, मैच से पहले खबर यही है कि मैच से पहले रंगारंग कार्यक्रम होगा, तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर मौजूद रहेंगी। अरिजीत सिंह गाना गाने वाले, अमिताभ बच्चन, बिग बी वहां पर मौजूद रहेंगे, रजनीकांत वहां पर रहेंगे, सचिन तेंदुलकर रहेंगे, तमाम क्रिकेट जगत के साथ साथ राजनीतिक हस्तियां भी आपको उस मैदान पर नजर आने वाली है। तो जाहिर तौर पर बड़ा मुकाबला होने वाला है। मैच तो बड़ा हो गई होगा, मैच से पहले जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपका बीसीसीआई की इन तैयारियों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में यह मुकाबला बहुत ऐतिहासिक होगा और आपके हिसाब से इस मैच में कौन सी टीम दमदार है? नजर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।